चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब। कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ, क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ लिए जा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम साहब, अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हाँ सुन लो, और तुम भी सुन लो गांव के लोगों, गब्बर की ये चिट्ठी रामगढ़ के वासियों, देख लो ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकरी पर हमारे हवाले कर दो, डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने? दीनानाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है
गंगा कसम, हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा, इस खून खराबे से क्या होगा? भला अहिंसा भी तो एक चीज है। अहिंसा को मैं भी मानता हूँ चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुजदिली है। जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम, मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम अगर ये दोनों इस गांव में रहे? अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार हैं। आप तो वही होगा जो होना चाहिए, हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया, आज पूछूंगा खुदा से मुझे दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। कोई मुझे मस्जिद तक। चलो